बढ़ते हैं खबरों में आगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज की मौजूदगी में हंगामे को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस सरकार में थी तब भी आपस में लड़ने का काम करते थे, उसका खामियाजा आज भी पूरे छत्तीसगढ़ को भुगतना पड़ रहा है। कांग्रेस आज अप्रासंगिक हो गई है। वहीं डिप्टी सीएम साव के बयान पर पीसीसी चीफ दीपक बैज का पलटवार सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ भी अव्यवस्था नहीं है, कार्यकर्ताओं में छोटी मोटी बातों को लेकर बातचीत होती है, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए कांग्रेस का मुंह ताकते रहती है। देखिए, जब सरकार थी इनकी तब भी आपस में लड़े लोग और उसका खामियाजा पूरे छत्तीसगढ़ ने भोगा है और अभी भी इनकी लड़ाई चल रही है, तो आज कांग्रेस अप्रासंगिक हो गई है, समाप्ति की ओर बढ़ रही है। कार्यकर्ताओं की हो सके आपस में छोटे मोटी बातों को लेकर ऐसी रहती है, लेकिन घर की बात है, घर में रखे, ये कोई बात नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए बस कांग्रेस को मुंह ताकते रहती है।